हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। संजय दत्त ने अपने 37 साल के करियर में कॉमेडी, रोमांस, सभी तरह के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, पर गैंगस्टर और पुलिस वाले के रोल्स में ही ऑडियंस ने उन्हें सबसे ज्यादा सराहा है। वास्तव, मिशन कश्मीर और मुन्ना भाई सीरीज वो फिल्में हैं जिनसे उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और जिनके लिए उन्हें सबसे ज्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं। आइए आज आपको बॉलीवुड के 59 इयर्स ओल्ड बाबा की अपकमिंग मूवीज के बारे में बताते हैं। संजय की सबसे पहली अपकमिंग फिल्म है डायरेक्टर गिरीश मलिक की टोरबाज, जिसकी रिलीज डेट है नवंबर 2, 2018। फिल्म में संजय के अलावा नरगिश फाकरी और राहुल देव मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। ये फिल्म अफगानिस्तान के चाइल्ड सुसाइड बॉम्बर्स के बारे में है। नरगिश फाकरी एक ऐसी अफगान लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं जो एक एनजीओ चलाती हैं। इसके बाद संजय को हम देख सकेंगे यशराज फिल्म बैनर्स में डायरेक्टर अभिषेक वर्मन की फिल्म कलंक में। ये फिल्म 19 अप्रैल 2019 को रिलीज होगी। संजय के अलावा फिल्म में माधुरी दीक्षित, आलिया भट्ट, वरुण धवन, सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य रॉय कपूर के मेन रोल्स हैं। इंडो पाक पार्टीशन के टाइम इस मूवी में माधुरी एक देवदासी बनी है जो लड़कियों को कथक सिखाती हैं। अगली फिल्म है डायरेक्टर सोनम शाह की फिल्म शेर, जिसकी रिलीज डेट है सितंबर 2019। इस फिल्म में संजय के अलावा मेन रोल में नजर आएंगे विवेक ओबरॉय, प्रेश रावल, हुमैमा मलिक, करिश्मा तन्ना और सुनील शेट्टी। ये फिल्म 1970s में गुजरात में हुए एक डॉन की रियल स्टोरी पर बेस्ड है। संजय की अगली फिल्म है पानीपत, जो रिलीज होगी 6 दिसंबर 2019 को। आशुतोष गोवारिकर की इस हिस्टोरिकल ड्रामा में संजय के अलावा कृति सैनन और अर्जुन कपूर नजर आएंगे। ये फिल्म 1761 में हुए पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में है। दोस्तों, संजय की अगली मूवी है डायरेक्टर करण मल्होत्रा की शमशेरा, जो जुलाई 31, 2020 को रिलीज होगी। ये पहली बार होगा कि संजय दत्त और रणबीर कपूर एक साथ किसी फिल्म में काम करेंगे। इस फिल्म जहां में रणबीर एक गरीबों के मसीहा डकैत का रोल प्ले कर रहे हैं, वहीं संजय दत्त इस फिल्म में विलन है। संजय की एक और अपकमिंग फिल्म है डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की एक्शन फ्लिक 11, जो 2020 में रिलीज होगी। इस फिल्म में संजय के अलावा जॉन अब्राहम और विद्युत जामवाल मेन रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म अनुभव की 2005 में आई फिल्म 10 का सीक्वल बताई जा रही है। डायरेक्टर सोजन जोसेफ की फिल्म अलर्ट 24x7, ये फिल्म जो एक एक्शन थ्रिलर है, एक लंबे अरसे से पेंडिंग है। फिल्म में संजय के साथ रवीना टंडन और सौरभ शुक्ला भी देखे जा सकेंगे। दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और रिलीज डेट भी जल्द ही अनाउंस हो जाएगी। संजय की अगली फिल्म होगी साउथ के डायरेक्टर कट्टा वडा के निर्देशन में बन रही प्रस्थानम, जिसकी रिलीज डेट 2020 की बताई जा रही है। फिल्म में संजय के साथ जैकी श्रॉफ, मनीषा कोयराला और अली फजल मेन रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म विजयवाड़ा की सेटिंग्स में एक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ड्रामा है। संजय की एक अपकमिंग कॉमेडी फिल्म है हसमुख पिघल गया। सैजल शाह द्वारा निर्देशित इस फिल्म की रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। इस फिल्म में संजय के अलावा अमिताभ बच्चन और जैकी श्रॉफ मेन रोल्स में नजर आएंगे। दोस्तों, संजय की पत्नी मान्यता इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। डायरेक्टर आरंभ सिंह की फिल्म मलंग, जिसमें संजय के ऑपोजिट ऐश्वर्या राय कास्ट होंगी और फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगी। इस रोमांटिक थ्रिलर की रिलीज डेट 2020 में बताई जा रही है। दोस्तों, हमें कमेंट करके ये बताएं कि आप और कौन से हीरो की अपकमिंग मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं, और जानने के लिए देखते रहें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।